हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमेजिंग रेसिपीज़ में। हमारे घर में रोटी सब्जी मोस्टली सबके घर में बनती है और अक्सर रोटियां बच भी जाती है और हम ये बची हुई रोटियां खाना पसंद नहीं करते। तो आज हम इन्हीं बची हुई रोटियों से एकदम नई रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोटियों को इस तरह से लंबे लंबे शेप में कट कर लेना है। आप इसे छोटा या लंबा जैसा भी साइज का रखना चाहें रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे किचन सीजर से कट कर लिया है। आप नाइफ की हेल्प से भी इसे कट कर सकते हैं। रोटियां रेडी है, अब हम आगे की तैयारी करते हैं। एक बाउल लेंगे, इस बाउल में बेसन लेंगे। बेसन में हमें स्वाद अनुसार नमक डालना है। मैं रोटियों में नमक डालती हूँ, इसलिए नमक कम डाल रही हूँ। आप नमक अपने अनुसार डाल लें। अब हम इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, एक चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। आधी चम्मच जीरा और आधी चम्मच अजवाइन डालकर इन सबको मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे और बैटर रेडी कर लेंगे। जैसा हम पकोड़े का बैटर तैयार करते हैं ना, ठीक वैसा ही बैटर बनाना है। अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तो ये देखिए, तेल गरम हो चुका है। मैंने सरसों का तेल लिया है। आप जो भी तेल इस्तेमाल करती हैं वो तेल ले सकती हैं। मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, इसलिए इसी तेल में फ्राई करूँगी। अब इन रोटियों के पीसेस को बेसन के बैटर में डिप करके गरम तेल में एक एक करके डालते जाएंगे। जितने पीसेस इजीली फ्राई हो सके उतने ही डालने हैं। अब इन्हें धीरे धीरे हिलाते रहें ताकि ये जले ना। जब ये अच्छी तरह से करारे हो जाएं तो इन्हें निकाल लें और इनका एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव कर लें। मेरी बेटी अक्सर मुझसे ये रेसिपी बनवाती है जब उसे रोटी खाने का मन नहीं करता और जब उसकी मनपसंद की सब्जी नहीं बनती। एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो चुका है। इसे आप अपने ब्रेकफास्ट में या स्नैक्स टाइम में बनाकर खा सकते हैं और दूसरों को भी खिला सकते हैं। यकीन मानिए, ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही मज़ेदार भी है। आप बच्चों को टिफ़िन में भी बनाकर दे सकते हैं। तो हमारी ये रेसिपी तैयार है। आप इसे सॉस या फिर झटपट बनने वाली कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस रेसिपी को बनाने में भी और खाने में भी। ज़रूर से ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए इसी तरह की अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी लाती रहूँगी। धन्यवाद।